नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, सरकार ने जो वादा किया था, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसको अब मुकम्मल करने जा रही है। और 2019 में जब होंगे तो पूरे देश के सारे चुनाव, जो विधानसभा और लोकसभा के होंगे, वो एक साथ। शुरू से ही हम लोगों ने इस पे शक जाहिर किया था कि सरकार इसे मुकम्मल नहीं कर पाएगी, लेकिन सरकार ने एक अजीब सा तिकड़म किया है। बहुत कम लोग इसको समझ पाए हैं और शायद हम आपको बता पाएंगे ये तिकड़म क्या है। असली बात यह है कि सरकार के पास कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। कम से कम आर्टिकल 83(2) का संशोधन करना पड़ेगा और 83 के साथ बहुत सारे, 85 का करना पड़ेगा, 172 का करना पड़ेगा, बहुत सारे संविधान बदलने पड़ेंगे। इसके लिए 2/3 दोनों सदनों में चाहिए। सरकार के पास ये बहुमत नहीं है, तो फिर सरकार करे क्या? इसने बड़ी खूबसूरती से, आप देखेंगे, क्योंकि मैं जब से ये अनाउंस हुआ है, कोविंद जी के सदारत पे ये कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके बाद सरकार इसको अमल में ला रही, कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, तब से हम परेशान थे कि सरकार 2/3 बहुमत, जो कि 362 होता है लोकसभा में और करीब 163 होता है राज्यसभा में, ये कहां से लाएगी सरकार? राज्यसभा में तो बहुमत हो सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं हो सकता, जो कि संविधान संशोधन के लिए अपेक्षित होता है, तो ये कहां से लाएगी? इस पे ये राज खुला कि जो ये कास्ट सेंसस का धीरे से हवा छोड़ रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अभी तक नहीं बताया है कि सेंसस हम कब से शुरू कर रहे हैं, कब से करा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, गृह मंत्री प्रधानमंत्री दोनों लगातार कह रहे हैं कि हम सेंसस करा रहे हैं, सेंसस के की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2020 तक सेंसस जो हुआ था वो मुकम्मल है, अब आपको उसके आगे का ये करना है। और मुझे लगता है कि सरकार अगर इस पे लग जाएगी तो करा लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 3 सालों में करा सकती है। तो 3 साल में अगर सेंसस करा लिया तो सेंसस की रिपोर्ट में ये नहीं बता रही है कि क्या कास्ट का कॉलम होगा, क्या उसमें हर जनता से पूछा जाएगा, हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि तुम्हारी जाति क्या है, उसके पत्नी की जाति क्या है, क्या ये पूछा जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कास्ट सेंसस में कास्ट एक कॉलम करेगी, और यही वजह है कि तब फिर कांग्रेस भी वोट देगी, तब फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लालू यादव की पार्टी, ये सारी पार्टीज वोट देना शुरू कर देंगे। इसका सीधा कारण है कि कास्ट सेंसस उनकी डिमांड में है और सरकार कहेगी कि हमने कास्ट सेंसस मान लिया है। इस तरह 2/3 बहुमत मोदी सरकार को दोनों सदनों में मिल जाएगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में मिल जाएगी। ये एक तिकड़म है, शायद इसको बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि 2/3 बहुमत आखिर लाएगी कहां से। 362 सीटें लोकसभा में इसके लिए चाहिए और 163 चाहिए राज्यसभा में। सरकार के पास इतनी सीटें नहीं है, इतना समर्थन नहीं है। यहां तक कि TDP ने भी इसको समर्थन, वन नेशन वन इलेक्शन को TDP का भी समर्थन नहीं है। और TDP के अलावा 15 ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और कोविड कमेटी के लॉ कमीशन की जो वो आई थी जनता से पूछने की, पॉलिटिकल पार्टी से पूछने की, तो उसमें कांग्रेस सहित 15 पार्टियों ने इसके खिलाफ वोट दिया था, मतलब इसके खिलाफ बोली थी, और उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेके सभी थे, यहाँ तक कि TDP भी थी, वो भी इसके खिलाफ थी। अब सवाल ये उठता है कि TDP भी अगर खिलाफ हो गई तो क्या कांग्रेस 2/3, क्या BJP 2/3 बहुमत से अपनी सरकार में ये पारित करवा सकती, क्या मोदी सरकार ये पारित करवा सकती है दोनों सदनों में? शायद ये संभव नहीं होता। लेकिन अब ये तिकड़म आपने देखा होगा, पिछले करीब 2 हफ्ते से अमित शाह लगातार कह रहे हैं अभी तो कास्ट सेंसस करवाएंगे, हम तो सहमत है। और यहां तक कि संघ ने भी कहा, आप याद करिए, मोहन भागवत ने भी कहा कि कास्ट की जनगणना होनी चाहिए और इसको जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं।
अब यहाँ पे क्या होगा, कास्ट सेंसस धीरे से ले आएंगे देश में, कास्ट सेंसस होगा, क्योंकि बीजेपी को 2/3 बहुमत अगर चाहिए दोनों सदनों में तो कास्ट सेंसस का कॉलम डालना पड़ेगा और इस तरह से ये वैतरणी पार करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लॉ कमीशन जस्टिस बीएस चौहान की जो लॉ कमीशन थी उनके सदारत में, उसने इस पे शक जाहिर किया था कि ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि वीपी जीवन रेड्डी की सदारत में जो थी 199 लॉ कमीशन, उसने कहा था कि ये संभव है और उसने रिकमेंड भी किया था, लेकिन 1999 का जो लॉ कमीशन था उसने रिकमेंड भी किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन बीएस चौहान की जो अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, लॉ कमीशन बना था, उस कमीशन ने कहा था कि ये संभव नहीं है और इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और रेटिफिकेशन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, कई राज्यों से इसका अनुमोदन कराना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि राज्यों से अनुमोदन कराने की जरूरत नहीं है, अगर हमने 83(2) को अमेंड कर दिया, 172 को कर दिया, 174 को कर दिया और कुछ 224 में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, इस तरह करके हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पेज क्या है, यह सच है कि आप राज्यों के चुनाव के अधिकार को, राज्यों के 5 साल के सदन को, जो विधानसभाएं हैं 5 साल की, उनको आप कम करेंगे, कैसे करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। 2029 में लोकसभा का चुनाव है, जो राज्य 2 साल पहले जिनका चुनाव हुआ है उनको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा कि 5 साल की जगह ये 7 साल रहे, वही सदन रहे, चुनाव ना हो। और जो 2 साल के अंदर विधानसभाएं हैं उनका इलेक्शन हम 3 साल, अगर उनका 5 साल नहीं भी हुआ है तो भी हम उनका करा के और नए सिरे से ये सिलसिला शुरू करें, ये करना होगा। चूंकि भारत के संविधान में लिखा है लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों के लिए कि हर हालत में आपको 5 साल इनका टर्म होगा जब तक ये डिसॉल्व ना हो, तो पहला तो ये कि जो राज्य जिनके विधानसभा के पीरियड को आप कर्टेल कर रहे हैं उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, जिनका एक्सटेंड कर रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नर्स के पावर भी एक्सटेंड करने उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस तरह से करीब 5 संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव, आपने कहा कि हम तीनों सारे चुनाव होंगे 100 दिन के अंदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, ये भी चुनाव कराएंगे, इनके लिए आपको रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जो सेकंड चरण है आपके वन नेशन वन इलेक्शन का, इसमें सेकंड चरण में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप राज्यों से रेटिफिकेशन लें, उनकी संस्कृति लें। यहाँ पे ये दूसरा पहलू होगा। तो सरकार ने बड़ी खूबसूरती से एक ही तीर से कई निशाने कई शिकार किए और उसमें सबसे बड़ा था कि कास्ट सेंसस अभी घोषित नहीं कर रही है, लेकिन इस बीच में क्या कर रही है, सेंसस तैयार हो गया है, सेंसस के लिए अगले 3 साल में वो सेंसस मुकम्मल ले आके रख देगी। अब यहाँ पे पेज क्या फंसेगा, जब सेंसस आ जाएगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपको राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो बढ़ानी पड़ेगी। इसमें साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनका पॉपुलेशन कम है, उनकी आबादी अपेक्षाकृत कम है, तो उनकी सीटें घटेंगी और नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। इसके लिए अगेन आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए। तो पहला तो ये हो गया। अब कुल मिला के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, इसमें भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और इसमें खास करके 14(2) सेक्शन 14(2) और 15(2) इसमें आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर जो लोकसभा के हैं, जिससे वो लोकसभा की व्यवस्था चलती है, उसको बदलना पड़ेगा। इसी तरह विधानसभा की रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर जितनी भी है
उनके उनके उनको बदलना पड़ेगा। ये तो तीसरा हो गया। और इसके अलावा आप याद रखिए कि मोदी जी ने ये किया क्यों। मोदी जी को 2015 की एक रिपोर्ट आई IDFC इंस्टीट्यूट की, जिसमें कहा गया कि अगर दोनों चुनाव एक साथ हों तो 77% चांसेस है कि लोग एक ही पार्टी को वोट दें। ये बात मोदी जी को बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने इमीडिएटली इसको पकड़ लिया और वन नेशन वन का चुनाव, हालांकि इसको आडवाणी जी पहले से भी कह रहे थे। लॉ कमीशन जब 1999 में इसकी संस्तुति की तो उस समय होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था और बहुत समर्थन कई कारणों से मिला। लेकिन इसमें इलेक्टोरल लाभ का ये मामला है कि मोदी जी को ये लगता है, उसी रिपोर्ट पे कहा गया कि अगर दोनों चुनाव एक साथ हों राज्यों के और लोकसभा के तो 77% लोग एक ही पार्टी को वोट देते हैं, ऐसे चांसेस ऐसी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 6 महीने बाद आप विधानसभा का चुनाव कराएं या लोकसभा का, गैप दोनों का 6 महीने हो, तो ये घट के 61% हो जाती है। तो इसलिए मोदी जी इस पे लगे हैं कि इस चुनाव को कराया जाए। इसकी अनुशंसा लॉ कमीशन 1999 में भी किया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया जो 2015 में बनी थी, और उसके बाद 2018 की लॉ कमीशन ने इसके खिलाफ बोला और कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें राज्यों की स्वायत्तता घटती है। तो DS चौहान ने ये बात कही थी, जस्टिस चौहान का ये सरकार को बहुत अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे पेज क्या है, पिंच ये है कि भारत के संविधान का आर्टिकल, पहला जो आर्टिकल है वो कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक यूनियन है। आप फेडरलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने फैसले में कहा है कि राज्यों की जो का अस्तित्व है उसको इंटैक्ट रहने दे, उसको आप बदले नहीं। तो यहाँ पे ये एक आएगा, और यही बात जस्टिस चौहान ने भी अपने लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में कही थी कि राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे पॉलिटी का, उस पे आज नहीं आनी चाहिए, लिहाजा इसके लिए आपको संविधान में ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो सही नहीं है, DS चौहान का कहना था। उसके अलावा बोमई फैसले ने भी यही कहा था कि राज्यों के अस्तित्व, राज्यों की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको आप खत्म ना करें, ये दूसरा इसका पक्ष था। तो बहरहाल इन सारे में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के सरकार के पास, ये बात सही है कि सरकार के पास वो नहीं था, बहुमत नहीं था, लेकिन अब इस स्थिति में ये होगा कि सरकार कास्ट के सेंसस का लॉलीपॉप दिखा के जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनका भी समर्थन हासिल कर लेगी, और इस तरह से ये पूरा का पूरा खेल जो है ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और भी है, राज्यों का अनुमोदन इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि आपने एंट्री 5 जो स्टेट लिस्ट में है आप उसको छेड़ रहे हैं, जो भारत के जो कॉन्क्रीट लिस्ट होती है उससे स्टेट लिस्ट होती है, जो भारत के संविधान में अनुसूची बनाई गई है 7वीं अनुसूची के लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट में एंट्री 5 में ये वो है, अगर आप इसमें कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपको राज्यों का अनुमोदन, आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन चाहिए। क्या सरकार आधे से ज्यादा ले पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ले लेगी, क्योंकि अब चूंकि कास्ट का सेंसस का लॉलीपॉप दिखा रही है तो मेरे ख्याल से ये सारे अनुमोदन हो जाएंगे और सरकार इस तरह से इस वैतरणी को पार कर लेगी, वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत सारा विरोध था अपोजिशन का, क्योंकि यहां तक कि TDP ने कहा था कि इसमें राज्यों को नुकसान काफी बड़ा है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा। तो हमें लगता है कि आप इसको गहराई से समझें कि किस क्यों कास्ट सेंसस पे अचानक भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार तैयार हो गई, इसके पीछे असली राज ये था। अगर आप इसको समझ जाएंगे
तो समझ जाएंगे कि संसद में बहुमत की कोई कमी नहीं होगी और बीजेपी को ये अपना जो मनमर्जी करना चाहती है कि एक ही साथ चुनाव हो, ये संभव हो जाएगा और राज्यों का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा क्योंकि कास्ट सेंसस बीजेपी को कराना मजबूरी है। तो इसको हम दो तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि ये पेच फंसा हुआ है, दो तिहाई बीजेपी के पास नहीं है संसद में, तो इसलिए अब पहला तो ये होगा कि कास्ट सेंसस कराना मजबूरी हो जाएगी और कास्ट सेंसस कराएगी तो हकीकत आएगी, उसके बाद बीजेपी पे दबाव पड़ेगा कि अब हमारा आप रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाइए, जो कांग्रेस की मूल डिमांड थी। देखना यह है कि कांग्रेस उसमें भारी पड़ती है, जनता को ज्यादा अपनी तरफ खींच पाती है, या बीजेपी कहती है कि हम ये कर लेंगे। आने वाले दिनों में ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पे जब जब कुछ नया आएगा हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए